सेंटेंस में लिखा है बट डोंट ट्राई टू टीओ टू मेक आउट आई एम वेरी वीक टीओ टू टू डू दिस. एक एक वर्ड से इजाजत पूछो, बट से स्टार्ट है. चले ठीक है, डोंट ट्राई, ट्राई ना करो. टीओ टू वर्ग की फर्स्ट फॉर्म फॉलो होनी चाहिए, मेक बिल्कुल है जी. आउट एक प्रपोजिशन, आई एम वेरी एडवर्ब एडजेक्टिव. टू डू दिस टी ओ टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है. देखो माना कि ये एक है एडवर्ब है और एक है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हमेशा पहले एडवर्ब होता है. लेकिन आपको एक बात बताऊँ, एडजेक्टिव में भी आप ये देखते हो कि वो एडजेक्टिव पॉजिटिव एडजेक्टिव है या नेगेटिव एडजेक्टिव है. वीक एक क्या एडजेक्टिव है? नेगेटिव एडजेक्टिव है. तो एडवर्ब भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. दूसरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट होगी, सो जहाँ आएगा तो दैट का इस्तेमाल ज़रूर होगा. सो के साथ दैट का इस्तेमाल तो 100% होता है. लेकिन एक और बात जो लोगों को नहीं पता, टी डबल ओ टू के साथ टू का इस्तेमाल भी 99% केसेस में होता है. ऑफकोर्स नॉट 100 बट इन 99% केसेस. तो यहाँ पे गलती क्या है कि ज़्यादा बेहतर क्या है कि एक नेगेटिव लगा, नेगेटिव यानी कि वेरी की जगह क्या लगाएंगे हम? टी डबल ओ टू, टू वीक टू डू दिस, टू वीक टू डू दिस. ये वाला रूल भी फॉलो हो गया और सेंटेंस अब बिल्कुल करेक्ट हो गया बच्चों.